दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अंडा देखा है जो बिल्कुल किसी कैप्सूल की तरह दिखाई देता है? और क्या आपने कभी ऐसा अंडा देखा है जिस पर कांटे लगे होते हैं? और क्या आपने कभी इस अंडे को देखा है जो बिल्कुल किसी मोती की तरह दिखाई देता है? क्यों, सुनकर चौंक गए ना? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अनोखे अंडे दिखाने वाला हूँ जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इन अंडों पर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया हुआ है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। और अगर आपने अभी तक इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 12, मेंटिस। दोस्तों, आप सभी इस मेंटिस को तो जानते ही होंगे, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। लेकिन अगर बात करें इनके अंडों की, तो इनके अंडे बहुत ही अनोखे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से ये मादा अपने अंडे दे रही है। आपको बता दूं कि ये एक बार में 100 से 400 तक अंडे दे सकती है। ये अंडे सच में बहुत सारे होते हैं। जब मादा अंडे दे रही होती है तो ये इन अंडों के साथ एक झाग जैसा तरल पदार्थ भी छोड़ती है, जो कि सूखने के बाद इन अंडों के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। और जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, उसके बाद ये अंडे हैच होने लगते हैं, जिसके बाद इनसे बच्चे बाहर आना शुरू करते हैं। नंबर 11, कॉमन ब्लो फ्लाई। दोस्तों, आप लोगों ने मक्खियों को कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इनके अंडों को देखा है? शायद नहीं। तो आप इस मक्खी को देखिए जो बड़े आराम से अपने अंडे दे रही है। दोस्तों, शायद ही आपने इससे पहले मक्खी का ऐसा कोई नज़ारा देखा होगा। ये अंडे देखने में बिल्कुल किसी चावल की तरह लगते हैं। आपको बता दूं कि ये मक्खी एक बार में 150 से 200 अंडे दे सकती है, और इन अंडों का आकार भी किसी चावल के दाने के बराबर होता है। ये मक्खी अपने पूरे जीवन काल में 2000 तक अंडे दे सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन अंडों को हैच होने में 8 से 12 घंटों का समय लगता है। नंबर 10, कॉकरोच एग्स। दोस्तों, आप लोगों ने कॉकरोच को कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने इनके अंडों को देखा है? अगर नहीं, तो अब देखिए कि कैसे ये मादा कॉकरोच अंडा दे रही है। दोस्तों, आपने इससे पहले शायद ही कभी कॉकरोच को अंडा देते हुए देखा होगा, क्यों, है ना? ये अंडे देखने में भूरे रंग के होते हैं और इनका आकार किसी टैबलेट की तरह होता है। लेकिन आपको बता दूं कि कभी कभार इन कॉकरोच को अंडा देने में 24 घंटों का समय भी लग जाता है। और ये अंडा एक सुरक्षित कवर से प्रोटेक्टेड होता है, और लगभग 40 दिनों बाद इन अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। और इस एक अंडे से लगभग 15 से 18 निम्फ का जन्म होता है, जो आगे जाकर कॉकरोच में बदल जाते हैं। नंबर 9, असेशियन बग एग्स। दोस्तों, ये बग देखने में काफी सुंदर लगता है, लेकिन अगर आपने इसे छूने की गलती कर दी तो ये आपको अपना डंक भी मार सकता है, जो काफी दर्दनाक होता है। अगर बात करें इसके अंडों की, तो इनके अंडे आकार में लंबे और बेलनाकार होते हैं, और इनका रंग भूरा होता है। आपको बता दूं कि ये बग एक बार में 50 से 60 अंडे दे सकते हैं, जिसमें से प्रत्येक अंडों की लंबाई 2 से 2.5 मिलीमीटर होती है। और लगभग एक हफ्ते बाद इन अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो बच्चों के बाहर निकलने के बाद ये खाली अंडे बिल्कुल किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कॉमेंट में जरूर बताना। नंबर 8, बीटल एग्स। दोस्तों, अभी आप जिस बीटल को देख रहे हैं वो एक खूबसूरत लाल रंग का वयस्क बीटल है, जो ठंडियों के मौसम में हरे पेड़ पौधों पर फीट करता है। अगर बात करें इसके अंडों की, तो इसके अंडे बहुत ही अनोखे होते हैं। इनके अंडों का रंग नारंगी होता है, और ये अपने अंडे पत्तों के पीछे एक कतार से देते हैं। आपको बता दूं कि ये बीटल अपने जीवन काल में 250 से 400 अंडे देते हैं। लेकिन इन अंडों की प्रकृति थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। लगभग 7 से 8 दिनों बाद इन अंडों से लार्वा बाहर आते हैं, जिसके बाद ये पत्तों को खाना शुरू करते हैं,
और पूरे 24 से 30 दिनों बाद ये पूरी तरह से बीटल में बदल जाते हैं। नंबर 7, सेंटीपीडस। दोस्तों ये कीड़ा बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन ये जितना खतरनाक होता है उसका अंडा उतना ही अनोखा होता है। अगर बात करें इसके अंडों की तो इसके अंडे बहुत ही खूबसूरत और प्यारे होते हैं और इसके अंडों का आकार भी पूरा गोल होता है। ये कीड़े एक बार में 25 से 30 अंडे दे सकते हैं और जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आते तब तक ये अपने अंडों पर कुंडली मारकर बैठे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसे आपको इस जीव का अंडा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। नंबर 6, ब्लैक विडो स्पाइडर। दोस्तों इन मकड़ियों के अंडे भी बहुत ही खास होते हैं और ये मकड़ी अपने अंडों के लिए ऐसे जगहों का चुनाव करती है जहां बहुत अंधेरा होता है। बात करें इनके अंडों की तो ये सफेद या भूरे रंग के हो सकते हैं, जिसकी गोलाई 12 से 15 मिलीमीटर तक होती है। इन मकड़ियों के अंडे किसी बॉल की तरह दिखाई देते हैं जिसके अंदर बहुत सारे अंडे मौजूद होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अपने अंडे देने के बाद ये मकड़ी उसे अपने जालों से अच्छी तरह से लपेटकर सुरक्षित कर देती है ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 5, सेलामेंडर एग्स। दोस्तों सेलामेंडर एक छिपकली की प्रजाति है जिसके अंडे बहुत ही अजीब होते हैं, जो देखने में बिल्कुल किसी जेली की तरह दिखाई देते हैं। अगर बात करें इनके अंडों की तो इनके अंडे पानी के नीचे मौजूद पौधों की टहनियों से चिपके होते हैं। आपको बता दूं कि मादा सेलामेंडर के ये अंडे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके अंदर बच्चों को विकसित होते हुए देखा जा सकता है। जब ये बच्चे अंडों से बाहर आते हैं तो ये बिल्कुल किसी मछली की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो इनके पैर विकसित होने लगते हैं, जिसके बाद ये छिपकली की तरह दिखाई देते हैं। और जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो ये छिपकली में बदल जाते हैं। नंबर 4, स्नेल्स। दोस्तों ये घोंगे हमें अक्सर घास के मैदानों और बगीचों में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर बात करें इनके अंडों की तो इनके अंडे बहुत ही छोटे और कमाल के होते हैं, जो देखने में बिल्कुल किसी मोती की तरह दिखाई देते हैं। पर जो इसकी सबसे खास बात होती है वो है इसके अंडे देने की प्रक्रिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये अंडे इनके शरीर से फिसल कर बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। वैसे ये घोंगे मीठे पानी में रहना पसंद करते हैं, जिनके अंडों का रंग सफ़ेद या गुलाबी रंग का हो सकता है। ये घोंगे एक बार में 500 से 600 अंडे दे सकते हैं, जिसके एक हफ्ते बाद ही इनसे बच्चे बाहर आना शुरू करते हैं। नंबर 3, स्केट फिश। दोस्तों ये एक समुद्री मछली है जो समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है। अगर बात करें इसके अंडों की तो ये मछली बहुत ही अलग तरह के अंडे देती है, जो बहुत ही अजीब होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये अंडे देखने में बिल्कुल किसी थैले की तरह दिखाई देते हैं, वो इसलिए कि इन अंडों के चार कोनों से कांटे निकले होते हैं। और ये मछली अपने अंडे समुद्र की गहराइयों में मौजूद चट्टानों के आसपास देते हैं, जहाँ ये आंतरिक रूप से फर्टिलाइज होते हैं और विकसित होते हैं, जिसके बाद इनका जन्म होता है। वैसे आपको इनके थैले जैसे अंडे कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, वाटर बग एग्स। दोस्तों इस बग को इलेक्ट्रिक बग के नाम से भी जाना जाता है और ये बग ब्लास्टो फैमिली से संबंध रखता है। बात करें इसके अंडों की तो ये बग अपने अंडे अपनी पीठ पर लेकर घूमता है, ऐसा इसलिए कि मादा बग ने इन अंडों की जिम्मेदारी नर को दी होती है। जब मादा अंडे देने वाली होती है तो वो नर के पीठ पर चढ़कर अंडे देना शुरू करती है और अंडे देने के बाद वो चली जाती है, जिसके बाद नर इन अंडों को हैच होने तक उन्हें अपनी पीठ पर लेकर घूमता है। आपको बता दूं कि इनकी पीठ पर लगभग 50 से 70 अंडे होते हैं और इन अंडों का आकार भी एक हद तक एक कैप्सूल की तरह होता है। नंबर 1, शार्क एग्स। दोस्तों जब भी समुद्री जीवों की बात आती है तो सबसे पहले हमें शार्क की ही याद आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शार्क तो सीधे बच्चे को ही जन्म देती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। शार्क की कुछ प्रजाति ऐसी होती है जो अंडे भी दिया करती है, और अभी आप जिस अंडे को देख रहे हैं
वो एक शार्क का ही अंडा है जो देखने में बहुत ही अलग और कमाल का लगता है। इन अंडों का आकार लगभग 7.8 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। कभी कभी ये अंडे तेज लहरों के कारण समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। ये अंडे देखने में काले रंग के होते हैं और साथ ही इन अंडों पर नुकीले पैटर्न बने होते हैं जिसके कारण ये बहुत ही अलग और अनोखा लगता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ अजीब और अनोखे अंडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।